हेलो दोस्तों, आप सभी को माँ की रसोई में स्वागत है। फ्रेंड, आज बनाएंगे हम मूंग दाल और कच्चे चावल से एकदम मज़ेदार नाश्ता दोस्तों। वो खा के खुश हो जाएंगे, तबीयत हमारी इतनी अच्छा सा नाश्ता लगता है खाने में। समोसा, कचौड़ी सब कुछ भूल जाओगे अगर आप इसको एक बार बना के खा लोगे तो। चलो दोस्तों, इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम 1 कप चावल और 1 कप मूंग की दाल ले सकते हो, या साबुत वाले मूंग भी ले सकते हो। इनको क्या करना है, एक बाउल में डाल के दोनों चीज़ बराबर लेनी है हमें, और बाउल में डाल के और इनको पानी डाल के रात भर भीगने के लिए छोड़ देंगे। भीगने से दोस्तों क्या होता है, चावल और ये मूंग दाल अच्छे से फूल जाती है। अब लेंगे मिक्सी का जाल, और मिक्सी के जाल में क्या करेंगे, चावल और मूंग की दाल को डाल देते हैं। और डालने के बाद डालेंगे इसमें 2 चम्मच के करीब पानी। पानी डालने के बाद मिक्सी में इसको बढ़िया से दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है, इस तरीके का दोस्तों। देखो, इस तरीके का बैटर होना चाहिए हमारा। अब इसमें 2 चीज़ डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और ये 1 चुटकी डाल देंगे खाने वाला सोडा। नमक दोस्तों कम डालें, क्योंकि हमें आगे और नमक डालना है, इसलिए कम नमक डालें। इन दोनों चीज़ों को डाल के और इसको बढ़िया से 1 से 2 मिनट तक बढ़िया से फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होता है दोस्तों, जो कोई भी नाश्ता बनता है तो एकदम फूला फूला बनता है दोस्तों। ये देखो फ्रेंड, कुछ इस तरीके का हमारा बैटर बनके तैयार हो जाता है। ये देखो, मैंने बैटर को बढ़िया से फेंट लिया है, इसको रख देती हूँ साइड में। अब एक बाउल लेंगे, बाउल में ले लेंगे हम 3 आलू। आलू को पहले क्या किया है दोस्तों, मैंने उबाल लिया, उबाल के छील लिया है। छीलने के बाद इसको इस तरीके से मैश कर लूँगी। हमें बिल्कुल मैश नहीं करना, हल्के से दोस्तों। इसमें आलू खड़े खड़े रहेंगे ना, तो हमारे नाश्ते में काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये बढ़िया से मैंने मैश कर लिए हैं। अब सबसे पहले डालेंगे 1 प्याज। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, और ये लिए 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, इनको भी बारीक काट लिया है। और ये लिया 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच लिया धनिया पाउडर, 1 चम्मच लिया अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच लिया गरम मसाला, और नमक डाला स्वाद अनुसार, और 1 चम्मच डालिए चीनी। स्वाद अनुसार नमक डालना दोस्तों, क्योंकि हमने पहले भी बैटर में भी नमक डाल रखा, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए डालें, नहीं तो आपके नाश्ते में नमक ज़्यादा हो जाएगा और खाने में मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, 1 चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आप इसको बढ़िया से मिक्स कर लें। देखो इस तरीके से दोस्तों, ये देखो, गैस पर रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में लेंगे ऑयल, ऑयल को गर्म करना है। और ये चाय छन्नी वाली होती है ना दोस्तों, छन्नी, उसमें ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद क्या करेंगे, जो हमने पहले चावल और मूंग दाल का बैटर बनाया था, उसको 2 चम्मच इसमें डाल देंगे इस तरीके से। और 1 चम्मच भर के जो हमने आलू का मसाला बना के तैयार किया, उसको डाल देंगे बीच में। और फिर से 1 से 2 चम्मच जो चावल का आटा का बैटर बना के रखा था, उसको डाल देते हैं दोस्तों। ऑयल को पहले चेक कर लेंगे कि ऑयल गर्म है कि नहीं है। तो दोस्तों देखो, मैंने जो बैटर डाला है ना, तो वो बिल्कुल ऊपर आ रहा है, तो परफेक्ट है ऑयल हमारा गर्म। तो ये नाश्ता को इस तरीके से डाल दें दोस्तों, इसको सावधानी से डालें, इस तरीके से, क्योंकि आराम से डालें, ऑयल थोड़ा सा गर्म रहता है। इसी तरीके से हम पूरे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब देखो, फिर से मैंने इसमें ऑयल लगाऊंगी और फिर डालूंगी चावल मूंग दाल का बैटर, और फिर डाल दूंगी 1 चम्मच आलू का मसाला। फिर डाल देंगे हम
चावल और मूंग दाल का बैटर और इसको कढ़ाई में छोड़ देंगे। इस तरीके से दोस्तों नाश्ता बनाएंगे तो आपके घर में बड़े से लेके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला नाश्ता है दोस्तों। मार्केट से हलवाई के खाने का बच्चों का बड़ों का कभी मन नहीं करेगा, आप लोग इस तरीके से नाश्ता बना के खाओगे तो। अब देखो कितने मज़ेदार बन चुका है, तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब आप सभी को मैं सर्व करके दिखा रही हूँ, मैंने पूरा नाश्ता बना लिया है दोस्तों। दोस्तों मैं आप सभी को याद दिला दूँ, एक लाइक का नीचे लाइक का बटन है, आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, मगर कर ज़रूर दिया करो। इससे दोस्तों हमें ये पता चल जाता है कि आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारी रेसिपी में कोई भी कमी हो तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। अब दोस्तों मैं आप सभी को नाश्ता को तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखो तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम फूला फूला और अंदर से बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होता है दोस्तों। आप सभी को मैं तोड़ के दिखा रही हूँ तो समझ में आ रहा होगा कि कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार नाश्ता बन के तैयार हुआ है, एकदम गर्मा गर्म। आप चाय के साथ भी खा सकते हो, चटनी के साथ, किसी के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है नाश्ता दोस्तों। अब दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सभी को नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।